एक आदमी तब बुझे ना कर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से जनाधिकार पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र यादव, वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिए। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि शैलेंद्र यादव एक्स एमएलसी के पुत्र हैं और पिछले बार भी ये जब अपना भाग्य आजमाए थे तो बहुत अच्छा इनको वोट आया था और फिर से एक बार ये जनाधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी से आप देख सकते हैं इनके साथ समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ है और ज़मीन से जुड़े ये नेता हैं। आज आपने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया, कितने सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया? मैंने दो सेटों में नामांकन अपना दाखिल किया हूँ चुनाव आयोग के यहाँ, यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास। आपके सामने अब स्वर्गीय उमाशंकर बाबू के पुत्र अनुराग उर्भोला जी और दूसरी तरफ व्यास जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उसके बाद महागठबंधन से आपको अमरनाथ यादव, किस तरह की लड़ाई अब आप मान रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता मुझे चुन चुकी है। औपचारिकताएं बाकी है, वो भी 10 नवंबर को औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, मैं जीतूंगा। और दरौंदा विधानसभा का ही बेटा इस बार विधायक बनेगा। मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार यादव पर विश्वास करता हूं। एकदम श्योर है कि इस बार आपको जिता करके अवश्य जिता करके भेजेगी दरौंदा विधानसभा। क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं, शॉर्ट में बताएं? बाहरी भगाओ इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को जिताओ का मुद्दा रहेगा, बाहरी नहीं चलेगा दरौंदा में इस बार। इसीलिए आप श्योर हैं? एकदम श्योर है। विनोद यादव हैं, ये भी जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। विनोद जी, बताइए कि शैलेंद्र यादव अब मैदान में कूद पड़े हैं, क्या कुछ होगा, जाप की क्या स्थिति होगी? पप्पू यादव अब, हालांकि कोरोना हो या फिर बाढ़ जैसे हालात हो, लगातार उन लोगों के लिए लगातार काम करते रहे, तो क्या कुछ इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल देखने वाले को सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और शैलेंद्र भैया की तरफ से हार्दिक शुभकामना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ दरौंदा में लड़ाई नहीं है, सिर्फ बाहरी जो है बाहरी भगाओ और शैलेंद्र यादव को लाओ, यही नारा है और यही विश्वास है। और जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता शैलेंद्र बाबू के साथ तन मन धन से खड़ा है और जीत हम लोग चुके हैं। बिल्कुल चुनाव, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही शैलेंद्र यादव हैं जिन लोगों की जन अधिकार पार्टी से इन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। दरौंदा से भाग्य आजमा रहे हैं पप्पू यादव की पार्टी से, पिछले बार निर्दलीय के तौर पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन देखना यह होगा कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार क्या मूड बनाई हुई है और कौन से नेता को चुन करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।